नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। मैं हूँ आपके साथ सोनी। पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। कहने को शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। हिंसा हो रही है, नारे लग रहे हैं और शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। बड़ी बात यह है कि इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी इस आंदोलन को हवा दे रही हैं, कहना चाहिए इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बता दें कि पाकिस्तान की राजनीति में जितना विवाद इमरान खान को लेकर है, उतना ही रहस्य उनकी बेगम बुशरा बीवी को लेकर भी रहता है। यह हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में किसी ने कभी बुशरा बीवी का चेहरा भी नहीं देखा है, और यह अलग बात है कि उनके बयान हमेशा उन्हें सुर्खियों में रखते हैं। अब कहने को बुशरा बीवी मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में रहती हैं, और कहने के वो इमरान खान की बीवी है, यानी कि वो इमरान खान की बेगम है, लेकिन उनके सीधे तार भारत के राजस्थान से जुड़ते हैं। यहाँ एक महान हिंदू राजा से उनका कनेक्शन है। चलिए आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा हुआ है कि बुशरा बीवी खुद को राजा जैसल का वंश मानती हैं। असल में वटूट समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और सतलुज घाटी के प्रमुख राजपूत जनजातियों में से ऐसे में उन्हें एक माना जाता है। इस समुदाय के ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि वे जैसलमेर के संस्थापक राजा जैसल के वंश से हैं। एक थ्योरी तो यह भी चलती है कि वटू समुदाय के सैकड़ों लोगों को बाबा फरुद्दीन ने इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया था। अब माना जाता है कि बुशरा बीवी पाकिस्तान में कहने को इमरान खान की बेगम है, लेकिन खुद को सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखना पसंद करती हैं। इमरान भी शादी से पहले बुशरा के पास सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान लेने ही जाते थे। इसके ऊपर निगाह के बाद उन्होंने पीएम रहते हुए कभी किसी देश का दौरा बुशरा के साथ नहीं किया। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।